हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप दैट यू ऑल आर फाइन। आई एम अ होम बेकर एंड यू आर वाचिंग बेक मी। सो आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर करूंगी विद चॉकलेट प्रीमिक्स। अगर आपको नहीं पता कि प्रीमिक्स क्या है, सो मैंने लास्ट अपनी वीडियो में डिटेल में बताया है प्रीमिक्स के बारे में। सो यहाँ पे मैंने लिया है चॉकलेट प्रीमिक्स 2.5 कप। इसको अब मैं थोड़ा सा प्रेस करूँगी ताकि जो लम्स वगैरह हैं वो बिल्कुल पाउडरी फॉर्म में हो जाएं। प्रीमिक्स मैंने क्योंकि ऑलरेडी स्टेन करके बनाया था, इसलिए मैं इसको दोबारा स्टेन नहीं करूँगी। अब यहाँ मैंने 2 मीडियम एग्स ऐड किए हैं रूम टेम्परेचर पर। हमेशा बेकिंग में इन्ग्रीडियंट्स रूम टेम्परेचर पर यूज़ करते हैं। अब इनको मैं मिक्स करूंगी और 100 ml वाटर ऐड करूंगी। नॉर्मल वाटर है और डिवाइड करके मैंने इसमें ऐड किया और साथ साथ मैं मिक्स करती जाऊंगी ताकि कोई भी लम्स भी ना रहें और ये अच्छा सा स्मूथ सा बैटर बन जाए। आपने बहुत ज़्यादा बैटर की कंसिस्टेंसी इस तरह से होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। लास्ट में मैंने ऑयल यूज़ किया है फॉर द परफेक्ट शाइन। आप कोई भी फ्रेग्रेंस फ्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल। अब मैंने यहाँ पे मोल्ड लिया है और आप अगर आप क्लिप वाले मोल्ड में बना रहे हैं जो सेपरेट हो जाते हैं तो उसमें बहुत इजीली बेकिंग पेपर इस तरह से आपने प्लेस करना है। इससे ये होता है कि आपका जो स्पंज है वो भी शेप में बनता है और आपका जो बैटर है स्पंज का वो भी लीक नहीं होता। अब जो एक्स्ट्रा साइड्स होंगी उनको मैं सीजर से इस तरह से कट कर लूँगी और थोड़ा सा मैं ग्रीस कर दूँगी ऑयल के साथ। अब सारा केक बैटर इसमें ऐड कर दूँगी और एंड में इसको थोड़ा सा टैप करूंगी ताकि जो एयर बबल्स बनते हैं वो ना हो। ओवन आपने प्री हीट कर लेना है 180 पे 10 मिनट्स के लिए। देन आपने अपना केक रखना है 180 पे 25-30 मिनट्स के लिए। एंड यू कैन सी द परफेक्ट स्पॉन्ज, बहुत सॉफ्ट था, बहुत ये, और ऑयल भी इतना ऐड नहीं। अगर आप ज़्यादा ऑयल ऐड करेंगे इसमें तो ये स्पॉन्ज जो है वो अगर आप प्रेस करेंगे तो ये प्रेस ही रहेगा, लेकिन अगर आप इक्वली ऑयल इसमें ऐड करेंगे तो स्पंज बहुत स्पंजी बनेगा। अब इसको मैंने ऊपर से इसकी जो एक्स्ट्रा जो लेयर होती है इसको लेवल करने के लिए इसकी काट दी है। बहुत ध्यान से आपने इसकी कटिंग करनी होती है, इसकी लेयर्स कट करनी होती हैं। मेरा केक थोड़ा सा स्पंज अभी गर्म था तो इस वजह से मैंने सिर्फ ऊपर की लेयर एक कट करके बाकी मैंने इसको कूल होने के लिए छोड़ देना। आपने हमेशा पहले स्पंज जब रेडी हो जाए तो आपने उसको ठंडा होने के लिए रख देना है। प्रॉपरली जब वो ठंडा हो जाए तब उसकी लेयर्स कट करनी है, अदरवाइज़ वो टूट जाएगा। सो मैंने इसको प्रॉपरली नहीं होने दिया क्योंकि मैंने देना था, तो इस वजह से जो मेरा स्पंज था वो थोड़ा सा क्रैक हो गया, बट आई विल मैनेज। तब तक यहाँ मैंने चॉकलेट गनाश रेडी कर लिया था। चॉकलेट गनाश की रेसिपी भी मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगी। अब मेरा केक थोड़ा ठंडा हो गया था, प्रॉपर ठंडा नहीं हुआ था, इस वजह से मेरा थोड़ा सा केक स्पंज क्रैक हो गया था। तो आपने इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है, पहले कट लगा लेने हैं और देन आप किसी भी साफ थ्रेड के साथ इसको इस तरह से कट कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ईजी होते हैं। अगर आप नाइफ़ के साथ कट कर सकते हैं ईजीली तो आप उससे कर लें, नो इशू। फिर मैंने इसकी 3 लेयर्स कट कर ली थी और 3rd लेयर कट करते हुए क्योंकि केक थोड़ा गर्म था तो मेरा थोड़ा सा केक क्रैक हो गया, बट आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अब मैं मिल्क के साथ इसको सोक कर लूँगी। आप शुगर सिरप भी ले सकते हैं बट मुझे मिल्क थोड़ा सा अच्छा लगता है, उसमें फ़्लेवर बहुत अच्छा आता है, फ़्लेवर थोड़ा सा इन्हेंस हो जाता है, तो इसलिए मैं चॉकलेट केक में बहुत ज़्यादा सोकिंग नहीं करते। सोकिंग करने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए मैं सेट करने के लिए रख दूँगी। अब यहाँ पे मैंने क्रीम रेडी कर लिया है, ब्लेड्स, इलेक्ट्रिक बीटर के बाउल और क्रीम। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, मेरी क्रीम थोड़ी सी फ्रीज हो गई थी तो जब वो थोड़ा सा, इसलिए मैं इस तरह से प्रेस कर रही हूँ ताकि वो थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में आ जाए। जब वो लिक्विड फॉर्म में आएगी तब आपने इसको हमेशा बीट करना है। आपने पहले लो स्पीड में बीट करना है, देन आपने हाई, आहिस्ता आहिस्ता हाई पे जाना है। और इसके अंदर मैंने थोड़ी सी गनाश भी ऐड की थी और थोड़ा सा जो मैंने क्रश बनाया था, जो मैंने क्रश किए थे ओरियो बिस्किट्स, वो अब मैंने इसमें ऐड किए थे। ओरियो बिस्किट्स हमेशा क्रीम उसकी अलग करके, तो आपने जो बिस्किट्स रह जाएंगे उनको उनका
को जो है ना वो क्रश कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने जो क्रीम थी वो एक लेयर पे लगा दी थी। आपने इक्वली सारी क्रीम स्प्रेड करनी है। जो साइड्स मेरी क्रैक हुई थी उनको भी मैं लेवल कर दूँगी। क्रीम इक्वली स्प्रेड करनी है ताकि जो लेयर्स कट करते हुए केक लेयर्स जो हैं वो इक्वल हैं। अब इसमें मैंने जो क्रश बनाया था, बिस्किट क्रश किया था, वो मैं स्प्रेड कर दूंगी। देन इसमें मैं चॉकलेट चिप्स भी स्प्रेड करूंगी। आप जो भी आप चॉकलेट चंक्स भी इसमें डाल सकते हैं, और जो भी आपकी फेवरेट चॉकलेट है या जो कुछ भी आप इसमें डालना चाहे चॉकलेट में वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लास्ट में इसमें मैंने चॉकलेट गनाश भी ऐड किया था। फर्स्ट लेयर रेडी होने के बाद मैं सेकंड लेयर भी इसी तरह से रेडी करूंगी। सेकेंड लेयर भी रेडी होने के बाद अब इसकी क्रम्ब कोटिंग करेंगे, और इसको थोड़ी देर के लिए मैं फ्रिज में रख दूँगी सेट होने के लिए। साइड्स आपने बहुत इक्वली इसमें क्रीम क्रम्ब कोटिंग करनी है। जो टर्न टेबल थी उसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर लूँगी क्योंकि बहुत मैसी लग रही थी। अब स्पैचुला के साथ इसको मैं हल्के हाथ से फिनिशिंग दे दूँगी ताकि जो केक है उसकी शेप कोई नज़र आ जाए फ्रंट से भी, और एक्स्ट्रा क्रीम जो है वो हम इधर से उतार दें। अभी मैं क्रम्ब कोटिंग कर रही हूँ। लास्ट में जब ये सेट हो जाएगा थोड़ा सा तो दोबारा से मैंने इसको क्रीम से कवर कर दूँगी। और जहाँ जहाँ पे आपका केक नहीं होता, जहाँ जहाँ पे आपका केक नज़र आता है वहाँ वहाँ आप दोबारा से क्रीम लगा के तो उसको दोबारा से सेट कर सकते हैं और उसको फिनिशिंग दे सकते हैं। अब यहाँ पे मेरा केक क्योंकि सेट हो गया था और मैंने चॉकलेट के साथ उसकी ड्रेसिंग कर ली, वो वाला पार्ट में शूट नहीं कर सकी। बट नेक्स्ट I will share the decoration. So I hope you like this video. If you like this video, please subscribe to my channel and press the bell icon.